सो हेलो गाइज, मेरा नाम है पवन कुमार। तो कैसे हैं आप सब? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं आपके लिए एक ऐसी सेटिंग्स लेके आया जिससे आप अपना जीमेल अकाउंट या कोई सा भी अकाउंट बिल्कुल आसानी से रिमूव कर सकते हैं बिना कोई प्रॉब्लम के, बिना कोई दिक्कत के। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आप वीडियो देख रहे हो, तो फ्रेंड्स ये आपकी लास्ट वीडियो होने वाली है। तो इस वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाएगा, आपको क्या कैसे अकाउंट रिमूव करना। तो फ्रेंड्स, स्पेशली MI का किसी भी डिवाइस के लिए सेटिंग्स ये वर्क करेगी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके पास Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 7 हो, 6 हो, 5 हो, कोई सा भी फ़ोन हो MI का, तो यहाँ पे फ्रेंड्स सबकी सेटिंग सेम और सब एक ही जैसे से आपको यहाँ पे रिमूव अकाउंट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम आपको वीडियो में दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास एक MI का डिवाइस है जो कि Redmi 4 है, बहुत ही पुराना फ़ोन है वैसे तो। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने जो प्ले स्टोर ID खोल ली है, तो यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको सेटिंग्स देखने को मिल जाती है, जो कि यहाँ पे आपको ऊपर सबसे ऊपर मैं आपको फोकस करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे मेरा रिमूव अकाउंट का भी ऑप्शन आ रहा है। तो मैं ब्राइटनेस इसे कम कर लेता हूँ, तो देख सकते हैं यहाँ पे फ्रेंड्स मेरे पास रिमूव अकाउंट का ऑप्शन आ रहा है जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रॉपर तरीके से। तो फ्रेंड्स, इस अकाउंट को मेरे को कैसे रिमूव करना है? तो सिंपली आपको यहाँ पर अगर आप देखोगे रिमूव का ऑप्शन तो कुछ भी नहीं आएगा। यहाँ पर अगर मैनेज अकाउंट पे भी जाएंगे तो भी आपका यहाँ पर रिमूव नहीं होगा। तो अगर आप यहाँ पे सेटिंग्स में जाते हैं, जिस टाइप से मैं सेटिंग्स में जाता हूँ इस टाइप से, तो यहाँ पे फ्रेंड्स इस टाइप से सेटिंग्स में जाएंगे। अगर सेटिंग्स में आप यहाँ पे देखेंगे कि गूगल अकाउंट, तो पहले फ्रेंड्स ऐसा होता था कि गूगल अकाउंट पर क्लिक करते थे, यहाँ पे नीचे ही आ जाता था रिमूव अकाउंट का ऑप्शन, जैसे कि यहाँ पे इस टाइप से आ जाता था। तो फ्रेंड्स आप कुछ इस टाइप से इसका इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे फ्रेंड्स आप अपना अकाउंट रिमूव नहीं कर सकते, चाहे आपके 2 अकाउंट हो, 3 अकाउंट हो इस फ़ोन में, तो कोई से भी अकाउंट रिमूव नहीं कर सकते। तो सिंपल तरीका क्या है रिमूव करने? तो फ्रेंड्स आपको चलना है थोड़ा सा और स्क्रॉल डाउन करना, तो यहाँ पे फ्रेंड्स साइन इन का ऑप्शन आता है जो इस पर आप यहाँ पे देख सकते हो ब्लू कलर के आइकॉन में। तो सिंपली आपको इस पर टैप करना है। जैसे आप यहाँ पे टैप करेंगे, यहाँ पे आपके सारे अकाउंट्स दिख जाएंगे कि आपके फ़ोन में कितने अकाउंट्स बने। तो फिलहाल मेरे फ़ोन में अकाउंट 2 ही है, व्हाट्सअप एंड गूगल का। यहाँ पे फ्रेंड्स अगर व्हाट्सअप का अकाउंट रिमूव करना चाहते हो, सिंपल यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और भी अदर कोई अकाउंट आपने बनाया हो, जीमेल अकाउंट, ईमेल अकाउंट, कोई सा भी अकाउंट, तो यहाँ से सिंपली कोई सा भी अकाउंट रिमूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स चलते हैं हम गूगल के अकाउंट पे। तो सिंपली आप गूगल के अकाउंट पे देखेंगे तो यहाँ पे कुछ स्टेप से हमें दिखाई देता है डिवाइस कंट्रोल्स वगैरह के सारी सेटिंग्स। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन आएगा मोर का, तो सबसे आप ये देख सकते हो, इस पर आपको सिंपल क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो सबसे ऊपर आपको देख सकते हो सेकंड नंबर पर रिमूव का अकाउंट आ रहा है। जैसे आप यहाँ पे रिमूव का अकाउंट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपसे कुछ पूछा जाएगा कि मतलब आप यहाँ पे जो भी आपका मैसेज वगैरह, कॉन्टेक्ट वगैरह सब उड़ जाएगा। तो यहाँ पे ठीक है, आपको डिलीट पर रिमूव कर लेना। अगर आप इस चीज़ से एग्री करते हो तो आपको सिंपल ये रिमूव करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपके फ़ोन से खाली आप एक ही अकाउंट दिख रहा होगा जो कि व्हाट्सअप है, यहाँ से यानी कि आपका सक्सेसफुली रिमूव अकाउंट हो गया। अब यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे कोई भी गूगल के अकाउंट में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कोई सा भी नाम वगैरह नहीं आ रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपली साइन इन का ऑप्शन आ रहा है। और आपको फिलहाल अगर आपको कंफर्म ही करना है बिल्कुल रियल का, तो यहाँ पे सिंपली प्ले स्टोर खोलेंगे तो यहाँ पे सिंपली आपसे पहले ही साइन इन का अकाउंट पूछा जाएगा। तो फ्रेंड्स इससे आपकी ये बात कंफर्म हो गई कि आपका अकाउंट रिमूव हो गया। तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, और ज़्यादा अपने दोस्तों को भी ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चल जाए कि आप अपना MI का डिवाइस या किसी भी डिवाइस का अकाउंट कैसे रिमूव कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।